हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज ग्रुप। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिट लेवल 2 2018 की कट ऑफ जो विभाग ने जारी की है। 3 सितंबर 2018 को दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा रिट लेवल 2 एग्जाम 2018 की सभी विषयों की जो कट ऑफ है वो डाल दी गई है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि कौन से विषय की कितनी कट ऑफ रही है और किन किन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, कहां से अपन ये जानकारी है वो जुटा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे ज्ञान कुंज ग्रुप यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको हर प्रकार की एजुकेशन जो जानकारी है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन टोटल पोस्ट के बारे में, टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि टोटल जो पोस्ट थी वो 28,000 थी, लेकिन एक बार आपको हाईलाइट करने के लिए मैं एक बार आपकी नजर डालता हूं टोटल पोस्ट पर, टीएसपी और नॉन टीएसपी के एरिया में किन किन कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट वो रही हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये है दोस्तों टोटल पोस्ट का एक डायग्राम, जिसे आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो। टोटल पोस्ट थी दोस्तों ये 28,000। तो इस तरह से ये 28,000 पोस्टों पर सिलेक्शन होना था और हो भी चुका है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं विभागीय कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों हिंदी के बारे में, जो विभाग के द्वारा डाली गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। जो जनरल कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ रही है दोस्तों वो 72.00 रही है। अगर यहां अपन डिस एबिलिटी की बात करें तो ये 67.93 रही है नॉन टीएसपी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों अपन, तो मेल और फीमेल, महिला या पुरुष दोनों की ही 71.14 रही है। अगर डिसएबिलिटीज की बात करें तो ये 64.72 रही है। अगर एमबीसी की बात करें तो ये 70.78 मेल और फीमेल दोनों की रही है। अगर एससी की बात करें दोस्तों तो ये 68.75 मेल के लिए और 68.73 है वो महिलाओं के लिए या फीमेल के लिए रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 69.85 रही है। अगर एसटी की बात करें दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया की, तो ये 67.54 महिला और पुरुष दोनों की रही है। अगर बात करें अपन नॉन टीएसपी में डिसेबिलिटी की, तो ये 47.43 रही है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी विषय की टीएसपी कट ऑफ के बारे में, जो विभाग ने डाली है। अगर बात करें अपन मेल और फीमेल दोनों की जनरल कैटेगरी की, तो ये 68.93 ये रही है और डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी की ये 63.32 रही है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी की, तो ये 66.31 रही है मेल और फीमेल दोनों की। अगर एसटी की बात करें तो ये 65.23 रही है मेल की और 65.06 रही है फीमेल की। अगर बात करें अपन डिसेबिलिटी की, तो 45.45 डिसेबिलिटी की एसटी कैंडिडेटों की टीएसपी एरिया में ये रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से विभाग ने हिंदी की कट ऑफ डाली है, जो हमने अनुमान लगाया था वो लगभग सा इसमें मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इंग्लिश विषय की, अंग्रेजी विषय की। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन नॉन टीएसपी एरिया की जनरल कैटेगरी के बारे में, मेल और फीमेल की कट ऑफ के बारे में देखें तो ये 67.93 दोनों ही महिला और पुरुषों की रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 56.15 रही है। अगर ओबीसी की अपन बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो ये 66.19 महिला और पुरुष दोनों की रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 56.67 रही है दोस्तों। अगर एमबीसी की बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो ये 65.22 महिला और पुरुष दोनों की रही है। अगर एससी की बात करें तो 62.05 महिला और पुरुष दोनों के लिए रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें नॉन टीएसपी एरिया में, तो ये 69.54 रही है। एसटी की बात करें तो 58.10 मेल और फीमेल दोनों की रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 58.69 रही है। अगर अब बात करते हैं दोस्तों टीएसपी की, इंग्लिश विषय की कट ऑफ 2018 की टीएसपी एरिया की। कई मेरे यूट्यूबर दोस्तों ने यह कहा है कि टीएसपी एरिया की तो कोई बताता नहीं है, तो मैंने जो मेरा एक संभावित कट ऑफ का वीडियो डाला था, तो दोस्तों इसमें भी मैंने संभावित टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के बारे में बताया था और आज भी मैं दोनों के बारे में ही बता रहा हूं। तो बात करते हैं अपने इंग्लिश की टीएसपी एरिया के बारे में जनरल कैटेगरी में। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये 61.06 रही है मेल और फीमेल दोनों के लिए और डिसेबिलिटी ये रही है 62.70। ठीक है,
अगर बात करें टीएसपी में एससी कैटेगरी की तो ये 56.24 रही है मेल और फीमेल दोनों की। अगर बात करें एसटी की टीएसपी एरिया में तो 38.94 महिला और पुरुष दोनों के लिए ही रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले विषय की अपन बात करते हैं। अगला विषय हमारा होगा मैथ और साइंस, यानी मैथ और साइंस की क्या कट ऑफ डाली गई है विभाग के द्वारा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की, जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये 75.17 रही है मेल और फीमेल दोनों की। अगर डिसेबिलिटी की यहाँ बात करें तो सभी जो कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हो गए हैं इसमें। अगर ओबीसी की बात करें नॉन टीएसपी में तो 73.74 ये रही है, ठीक है। एमबीसी की बात करें तो 72.56 मेल और फीमेल दोनों की रही है। एससी की बात करें तो ये 68.27 मेल और फीमेल दोनों की ही रही है। अगर एसटी की बात करें नॉन टीएसपी एरिया में तो ये 64.82 रही है। अब बात करते हैं दोस्तों टीएसपी की कट ऑफ के बारे में मैथ या साइंस की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में अपन देख लेते हैं तो 65.52 है वो मेल और फीमेल दोनों की ही रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 60.58 रही है। अगर टीएसपी एरिया में अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 58.72 महिला और पुरुष दोनों की रही है। अगर एसटी की बात करें तो ये 53.89 पुरुषों की और 53.74 रही है महिलाओं की। तो दोस्तों इस तरह से ये मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है वो विभाग ने डाली है। और अब बात करते हैं दोस्तों अपन संस्कृत की क्या कट ऑफ रही है। तो देखिए दोस्तों ये हाईलाइट मैं आपको कर रहा हूं, तो यहां अगर संस्कृत की बात करें तो नॉन टीएसपी की अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो ये 75.60 रही है और डिसेबिलिटी की बात करें नॉन टीएसपी की तो 75.71 रही है। ओबीसी की बात करें ये तो 74.82 रही है महिला और पुरुष दोनों की। अगर एससी की बात करें तो यहाँ 72.09 दोनों की रही है। एसटी की बात करें तो 71.70 ही दोनों की रही है। अब बात करते हैं टीएसपी के बारे में, ठीक है। टीएसपी की बात करें जनरल कैटेगरी के बारे में तो 71.90 रही है और एससी की बात करें टीएसपी एरिया में तो 69.59 ये टीएसपी की रही है एससी कैटेगरी की। अगर बात करें अपन टीएसपी में एसटी कैटेगरी की तो 67.96 पुरुषों की और 66.54 रही है महिलाओं की। तो इस तरह से ये संस्कृति कट ऑफ दोस्तों आपने देखी। अब बात करते हैं अपन अगले विषय की जो है सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। दोनों कैटेगरी एरिया की बात करेंगे अपन नॉन टीएसपी और टीएसपी की। सबसे पहले बात करते हैं अपन टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये 76.15 रही है मेल और फीमेल दोनों की। अगर डिसएबिलिटी की बात करें तो ये 71.88 रही है। ओबीसी की बात करें तो ये 73.549 रही है महिला और पुरुष दोनों की। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो 71.85 रही है। अगर अपन बात करें एससी की तो मेल और फीमेल दोनों की ही 70.76 रही है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो 65.73 ये नॉन टीएसपी की रही है। अगर नॉन टीएसपी में अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 69.76 मेल और फीमेल दोनों की रही है और डिसेबिलिटी की बात करें तो 63.47 ये 74 ये रही है। अब बात करते हैं टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। तो टीएसपी की जनरल कैटेगरी में बात करें तो ये 71.23 मेल और फीमेल दोनों की रही है और डिसेबिलिटी की बात करें तो ये 66.26 इसकी कट ऑफ रही है। अब बात करते हैं टीएसपी में अपन एससी कैटेगरी की तो ये 69.44 तो महिला पुरुषों की रही है और 69.16 ये रही है महिलाओं की दोस्तों। अगर बात करें अपन एसटी की तो एसटी में जो पुरुषों की कट ऑफ रही है टीएसपी एरिया में ये 67.15 और महिलाओं की बात करें तो ये 65.82 ये कट ऑफ रही है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने कट ऑफ का पता आप लगा चुके होंगे दोस्तों। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे विभागीय जो लिंक है वो मिल जाएंगे, सभी कट ऑफ के लिंक है वो मिल जाएगा और किन किन कैंडिडेटों का जो सिलेक्शन हुआ है उनका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप वहां से जाकर के वो जो फाइल है वो डाउनलोड कर ले और आप सारी जानकारी वहां से देख सकते हैं। साथ में मैं विभागीय वेबसाइट का भी लिंक नीचे दे रहा हूं और वो लिंक आप जाकर आप विभागीय साइट का जो नोटिफिकेशन है और जो भी सूचनाएं हैं वो वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों और वीडियो को जरूर शेयर करना न भूले दोस्तों। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका किन किन का सिलेक्शन दोस्तों इस रिट लेवल 2 में हुआ है दोस्तों, वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। उनको लख लख बधाइयां दोस्तों और
आप कमेंट कीजिएगा, जिन भी कैंडिडेट मेरे साथियों का मेरे भाइयों का सिलेक्शन हुआ है वो मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन से विषय में उनका सिलेक्शन हुआ है और कितने उनकी कट ऑफ से कितना ज़्यादा वो जा रहा है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों इस चैनल का नाम ज्ञानकुंज ग्रुप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार मैं मेरे यूट्यूब चैनल की थोड़ी सी हाईलाइट वेब पर जाकर करवा देते, ऐसा इसका हाईलाइट आपको दिखेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं एग्जाम से संबंधित और राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको जानकारी है वो उपलब्ध इन वीडियो में कराई गई है। तो दोस्तों मुझे बताना कि आपकी क्या राय है, किन किन मेरे साथियों का सिलेक्शन हुआ, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।